एयर पोल्यूशन को समझने से पहले हम पोल्यूशन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। इन्वायरमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑन द अर्थ। हमारा जो इन्वायरमेंट है ये इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही प्राकृतिक रूप से शामिल है इस पृथ्वी पर। इट इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, रिवर्स, सॉयल इटीसी। ये क्या रखता है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, रिवर्स है, सॉयल है, सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। आवर सराउंडिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा जो आसपास का वातावरण है, आसपास के जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, हाउसेस, पार्क्स, आवर नेबर्स, आवर फैमिली मेम्बर्स इटीसी, ऑल मेक अप आवर इमीडिएट फिजिकल इन्वायरमेंट। ये फिजिकल इन्वायरमेंट बनाते हैं। हार्म टू द इन्वायरमेंट, लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी जो है अपने सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। बट ओवर द ईयर ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज हैव हार्म्ड द इन्वायरमेंट। बट बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स का जो एक्टिविटीज है और जो उनकी पॉपुलेशन में लगातार जो वृद्धि हो रही है, ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रीज आर कट ऑन अ लार्ज स्केल टू बिल्ड हाउसेस एंड टू ग्रो क्रॉप्स फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पेड़ काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, फसल उगाने के लिए भी पेड़ की कटाई हो रही है जो बढ़ती पॉपुलेशन है उनकी पूर्ति के लिए। As a result, the earth is not as green and beautiful as before. और इसका result क्या हो रहा है कि हमारा वातावरण जो पहले के जैसा green और beautiful अब नहीं रहा। Cutting of trees has made many animals homeless. जो पेड़ की कटाई हो रही है इससे बहुत सारे animals जो होते हैं वो homeless हो जाते हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, आवास नहीं होता है। The level of carbon dioxide, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है हवा में। द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये जो बढ़ता हुआ फैक्ट्री और व्हीकल्स से जो निकलता हुआ धुआं है इससे भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। Pollution is an undesirable change in water, soil or air that bring down the natural quality of the environment. Pollution क्या है, एक undesirable change होता है water में, soil में और हवा में, जो कि प्राकृतिक quality को, environment की प्राकृतिक quality को गिरा रहा है। Pollution adversely affect health and other activities of all living organism. Pollution जो है वो health को और दूसरे activities को वो effect पहुँचाता है। Harmful substances that pollute air, वैसे substances जो harmful होते हैं और pollute करते हैं, मतलब प्रदूषित करते हैं air को, water and land is called pollutant. उसको क्या बोलते हैं, pollutants बोलते हैं। अब बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विथ एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या कहेंगे इसको, बस दो लाइन में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विथ एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेस जब मिल जाते हैं, हवा में जब हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं तो वही एयर पॉल्यूशन का रूप ले लेता है। तो अब क्या कॉजेज है एयर पॉल्यूशन का, सबसे पहला पॉइंट हम लोग कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन में देखेंगे। वी कट डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्टेनिंग वुड। हम लोग जो है पेड़ की बहुत ज्यादा कटाई कर रहे हैं लकड़ी को प्राप्त करने के लिए। वुड इज यूज फॉर
constructing houses, for making papers and also as fuel. पेपर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और फ्यूल का भी यूज करने के लिए हम लोग पेड़ की कटाई करते हैं, जिससे हम लकड़ी प्राप्त करके और इसे यूज करते हैं. द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कटिंग हो रहा है पेड़ का, पेड़ की जो कटाई हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. मतलब कि जंगलों का क्षय हो रहा है, जंगल खत्म हो रहा है. दिस लीड्स टू लेजर नंबर ऑफ ट्रीज इन द एनवायरमेंट एंड लेजर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर लिविंग थिंग्स. दिस ऑल्सो रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विच लीड टू द एयर पॉल्यूशन. पेड़ों की अधिक कटाई हो रही है जिसके कारण से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट में बढ़ता ही जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन अधिक हो रहा है. बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल. पहला तो पेड़ों की कटाई थी, दूसरा है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एडेड पॉइजनस गैसेस इन टू द एयर. जो फ्यूल्स, कोल, पेट्रोल, डीजल, इन सभी से जो धुआं निकलता है, फिर फैक्ट्री से जो पॉइजनस जहरीले गैसेस निकलते हैं वो हवा में जाकर के मिलते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. डर्टी स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्री से. डर्टी स्मोक मतलब कि प्रदूषित जो गैस है वो सब निकलती है और ऐड करते हैं हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एयर. जैसे गैसेस को निकालती है और प्रकृति में हवा के साथ में मिला देती हैं. इरप्शन ऑफ वॉल्केन्स रिलीज स्मोक इनटू द एयर. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. सबसे पहला इफेक्ट्स में होगा स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस काउस अस्थमा एंड लंग कैंसर. जो स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस होते हैं, मतलब जो हम लोग धूम्रपान करते हैं या फिर जो प्रदूषित हवा जो हम लोग अंदर इनहेल करते हैं और जो हार्मफुल गैसेस है जो एनवायरनमेंट में घुल गई हैं, वो सभी हमारे नोज के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचता है और अस्थमा एंड लंग कैंसर जैसे बीमारी को क्रिएट करता है. एयर पॉल्यूशन के कारण अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है. एयर पॉल्यूशन कैन काउज ब्लड एंड हार्ट डिजीज. ये ब्लड और हार्ट डिजीज भी क्रिएट करता है एयर पॉल्यूशन. तो आप समझ रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है, पर लोग आज भी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं. थर्ड, इट कैन ऑल्सो काउज हेडेस. सिर दर्द होना. आज के समय में सभी, जितने भी लोग हैं, सभी लोग बोलेंगे कि मुझे ना हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है. मैक्सिमम लोग को ये प्रॉब्लम हो ही रही है. तो ये सभी पॉल्यूशन का ही कारण है. स्किन एंड आई इरिटेशन. स्किन में एलर्जी हो जाता है. स्किन देखिए यहाँ पे डैमेज हो रहे है स्किन, ये एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं. फिर आई इरिटेशन होता है, ये सभी जो है एयर पॉल्यूशन का ही इफेक्ट है. आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये एयर पोल्यूशन वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. इसके आगे हम लोग लैंड पोल्यूशन को देखेंगे. तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.